गया के इमामगंज प्रखंड में सचिव संघ इमामगंज बांके बाजार और डुमरिया के द्वारा सचिव पद को अस्थाई की मांगों को लेकर जुलूस के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं सचिव संघ के अध्यक्ष सोनल सिंह ने बताया कि सचिव पद के अस्थाई को लेकर कई बार मुख्यमंत्री को लिखित में विज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सोनल सिंह ने बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सचिव को अस्थाई नहीं किया गया तो जिला और राज्य लेवल पर उग्र धरना प्रदर्शन करूंगा। त्रिस्तरीय मांग है। मांग में पहला मांग ये है कि जितने भी वार्ड सचिव हैं सबको अस्थाई किया जाए। सबका चूंकि इलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ है सर्टिफिकेट के आधार पे। कोई भी वार्ड सचिव अनपढ़ नहीं है, सभी वार्ड सचिव पढ़े लिखे हैं, सबको सर्टिफिकेट के आधार पे बहाल किया गया है। इसी एवज में पहला मांग है कि वार्ड सचिव को अस्थाई किया जाए। चूँकि सात निश्चय योजना जो सरकार चला रही है उसका सबसे ज़्यादा भार वार्ड सचिव के कंधों पर है, तो पहला मांग है कि वार्ड सचिव को अस्थाई किया जाए। आज प्रदर्शन कभी आवेदन वगैरह हाँ, इससे पहले जितने प्रखंड में है सब प्रखंड में प्रखंड पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। यहाँ से लेकर के केंद्र आपके नीतीश कुमार स्टेट लेवल तक वहाँ सबको जितने संबंधित पदाधिकारी लोग हैं, जितने संबंधित नेतागण हैं, सबको आवेदन दिया गया है। और लगातार एक साल से हम लोग अपनी मांग को लेकर के और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार हमारे मांगों पे विचार हम लोगों ने शांतिपूर्वक निकाला कि हम सचिव लोगों को मुख्यमंत्री जी ने वार्ड के काम के लिए हम लोगों को चुना है और एक उम्मीद जताते हुए चुना है कि शिक्षित ही व्यक्ति चुने जाए इसमें, इसीलिए हम लोग चुन करके आए और हम लोग अपने ईमानदारी पूर्वक काम को अंजाम दिया है और हमें आगे भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों को पेंशन भत्ता इसका लागू करेंगे।